इधर आओ। ए, क्या हुआ? तुम दूसरी गाड़ी देखो। ओके सर। ए, ये कौन है? मेरी फियांसी है सर। अच्छी फैंसी वाली लड़की को बुला के उसे फियांसी बोल रहा है। सर, इज्जत से बात कीजिए सर। इज्जत से? चेहरा दिखाओ। सर, कपड़ा हटा के अपना चेहरा दिखाओ। उधर क्या देख रही हो? कांस्टेबल। हाँ सर। इसे देखकर ऐसा लग रहा है यसवी रोड में जो उस दिन पकड़ा था वही तो नहीं है। सर, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। बस कर, मुझे मेरी लिमिट मालूम है। तेरा नाम क्या है? शक्ति। तेरा नाम? जस्सी। जस्सी, सेक्सी नाम रखना था तुम्हें, और अच्छा लगता। सर प्लीज छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। ऐसा है? अरे जस्सी, छोड़ देंगे तुम्हें। सर प्लीज, सर छोड़ दीजिए हमें। ठीक है जस्सी, तुम गले लिपट करके मुझे किस देकर चली जाओ। सर, इससे मैं शादी करने वाला हूँ सर। शादी से पहले ही तू मर गया, ये समझ ले। सर, सर। अरे ऐसे ही बोला ना, तब तू दूसरे से शादी करके बच्चा नहीं पैदा करेगी, वैसे ही। सर ऐसा मत बोलिए सर, प्लीज सर ऐसा मत बोलिए। सेंटीमेंट है। सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए सर। टाइम बहुत हो गया है, एक किस देकर बस चली जाओ। बहुत सोच रही हो तुम। ए कांस्टेबल। जी सर। वो गांजा पैकेट हमारी गाड़ी में है ना? हाँ सर। उसे निकाल कर ले आओ, इन दोनों पे केस लगाना है। ओके सर। सर प्लीज सर, हमें जाने दीजिए सर, प्लीज सर। सुनो, केस देकर तुम जल्दी से अब यहाँ से चली जाओ। भगवान, ये क्या शक्ति है? किस लो? छे, लगता है बिरयानी खाया है। कौन सी बिरयानी? मटन बिरयानी। छे, आज मेरा उपवास है, इसीलिए तू बच गई। ले चल निकल यहाँ से। मांगने वाले को खून दोगे तो ठीक है, ये किस दे रही है? और तू इससे शादी करने वाला है? चल जा निकल। क्या सर, आपने छोड़ दिया उन्हें? जाने दे, 20 साल का उपवास है, एक किस की वजह से नहीं टूटना चाहिए। लेकिन एक बात है, जमाना कितना खराब हो गया है। Hey! वो सब नहीं चाहिए। ठीक है भाई, हमारे लिए भी यही जगह है। अलग जगह है भाई। जाओ। नमस्कार। नमस्कार भाई। कौन है मालूम है? रेनीपुर गांव के बगल में 200 एकड़ जमीन मेरे नाम आ गई है। ए, भाई कौन है मालूम है ना? पता है मालिक। एक बूंद भी खून नहीं निकलना चाहिए। ना खून बहेगा ना ब्लेड से आवाज आएगी। बाल निकाल दिए, सर पे चंदन लगा के नहला दो। भाई, 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 ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया भाई? भाई, भाई, अरे कोई है? पकड़ो, बोलो उसे, पकड़ो जल्दी, बोलो। जाता हूँ भाई। मालिक, काम हो गया, किसी भी तरह यहाँ के मिलिए। ठीक है भाई।
के सुन ले, ये रोड अपने बाप की, शहर अपने बाप का, अपनी अलग है स्टाइल, स्टाइल। क्या बात है, तुम्हारी मेरे भाई है सबसे अलग स्टाइल, स्टाइल। करती है प्यार मुझे सारी दुनिया, बांटता हूँ सबके में साथ खुशियाँ। ये रोड है गार्डन नहीं, सुन ले, चलना जरा तू सोच के, सुन ले। किसी को दुश्मन का है टेंशन, किसी को चाहत का है टेंशन, किसी को शॉपिंग मॉल है जाना, किसी को स्कूल का है टेंशन, सबको मंजिल तक पहुंचाना, यहाँ वहाँ सबको ले जाना, आते हैं सब पास ही मेरे, जानू मैं हर पता ठिकाना। दिन आए मस्ती के, कुछ मस्ती कर ले, अभी जवानी के दिन है, कुछ मस्ती कर ले, सोच रहा क्या आजा, चल डांस कर ले, मौका है मेरे यारा, रोमांस कर ले, चल आजा, चल आजा, चल आजा। प्यार से चलता है संसार, चलो बाटो जी भर के प्यार, नहीं कुछ और जमाने में, मीत और प्रीत बिना मेरे यार। प्यार से चलता है संसार, चलो बाटो जी भर के प्यार, नहीं कुछ और जमाने में, मीत और प्रीत बिना मेरे यार। है सोला आना सच ये बात, नाम तेरा भगवान, मगर क्या करते देखो काम, यही इनका गोरख धंधा, बस सभी उल्टे पुल्टे काम। मुँह में है नाम तेरा भगवान, मगर क्या करते देखो काम, यही इनका गोरख धंधा, बस सभी उल्टे पुल्टे काम। करूं क्या बोल मेरे भगवान। देख के चला रे सर, कुत्ता सर। ओए, किसको कुत्ता बोल रहा है? थोड़ा बाहर आइए ना। मैं क्यों बाहर आऊँ? मुझे क्यों बाहर आने को कह रहा है सर? चार दिन से जिसे ढूंढ रहा था वो कुत्ता मिल गया। अरे बाहर आइए। क्यों, कमीज से क्यों नहीं बोलते हो? क्या सर, इतने दिन से जो कुत्ते को ढूंढ रहा हूँ वो कुत्ता आज मिल गया, और आप कह रहे हो कि तमीज से बात कर। क्या सर, उसे देखिए ना एक बार। मीटर डाला कि नहीं? ओ पप्पी, आजा आजा। 145 हुआ, मैं नहीं दूंगा। अबे किसको चाहिए तेरा 145, मुझे 5 लाख मिलने वाले हैं। जा चल चल चल, जा रहे यहाँ से। हाँ बोल दीना। किधर है कुमार? बहन की शादी के लिए कुत्ता पैसे देने वाला था, उसी का। अरे उस कुत्ते की बात छोड़, इस कुत्ते की बात कर। वो पेपर वाला कुत्ता? हाँ, है ना? वही कुत्ता है, तू जल्दी आ जा जल्दी। ठीक है यार, मैं अभी आ रहा हूँ। ओ प्यारे, तुझे कुत्ता बुलाने में बहुत दुख रहा है, तुझे तो भाग्य लक्ष्मी बुलाना चाहिए। अरे अरे क्या हुआ, कुत्ता बोला तो छूट गया क्या? अरे रुक यार पप्पी, ओए अरे रुक जा।
क्या हुआ? तेरे पूरे हफ्ते का अमाउंट रेडी है, जल्दी से सवारी को छोड़ और हनुमान मंदिर के पास आ जा। पप्पी पप्पी, अरे आप कौन हो भाई और इस तरह भाग क्यों रहे हो? देखो मैं पप्पी को पकड़ने जा रहा हूँ। पप्पी को तो मैं पकड़ने जा रहा हूँ। तू ए रोड से आ रहा है, मैं ई रोड से आ रहा हूँ। ई रोड से आ रहे हो? हाँ, इसलिए पप्पी मेरी प्रॉपर्टी है, 5 लाख मेरा। मैं आपको पकड़ने ही नहीं दूंगा। मैं पकड़ के रहूंगा, पप्पी मेरा है। ए पप्पी, 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 पप्पी रुक। ए, कौन हो तुम लोग? कौन हो? ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड के लिए कुत्ते जैसे भाग सकते हो, लेकिन कुत्ते के लिए फ्रेंड को दौड़ा सकते हो? सकता है। ए पप्पी, अरे भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, अरे रुक जा पप्पी, अरे रुक जा। ए सलीम, क्या हुआ तेरे को? थक गया हूँ भाई। ए, 3 साल का पप्पी भाग रहा है और तू 30 साल का फुग्गा, तू क्या चल गया रे? चलो चलो पप्पी को पकड़ो, चलो। अरे बाप रे, कितना दौड़ाएगा ये। चल चल, रुक 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 रुक। अरे क्या करो भाई। ए तुम लोग यहीं रुको, तब तक मैं उस पपी को पकड़ के लाता हूं। अरे हे, ये क्या कर रहा है चपोरी पागल आवारा? नीचे से क्या देख रहा है? मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हंसी जा रहे। उठो उठो यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? पागल हो गए हो तुम? उठो यहाँ से, उठो, जाओ यहाँ से, पागल कहीं के। यहाँ लेट जाओ। चल। अरे कुत्ता जा रहा है, 5 लाख जा रहा है अपना, माँ खिलवाएगा। छोड़ना मुझे, छोड़ना। अरे अरे पप्पी उधर भाग रहा है, मैं संभालू की उसको। अरे चल चल चल, जान चुपचाप क्यों जा रही हो? चल क्या हुआ, कैसी आवाज आ रही है? क्या देख रहे हो सर, मैं कुत्ते का ओनर हूँ, ये चैन छुड़ा के भाग रहा था इसलिए पकड़ने आया हूँ। सर पप्पी अच्छा बच्चा है, चाटेगा लेकिन काटेगा नहीं। ए मुन्नू, मतलब ये आपका पप्पी है क्या? हम लोग कैसे विश्वास करें? ए साइकिल देख के पता नहीं चलता क्या, उनका ही कुत्ता है। ए कहाँ जा रहा है तू? सर ने कुछ बोला नहीं तो इसका मतलब तू चुपचाप निकल गया। मैं क्या बोलूं, खड़ा रहे यहाँ पर। ए मजाक कर रहे हो क्या, पप्पे खुद आया है ना, तुम लोग लेकर आए हो क्या? दूंगा एक रख के, भागो यहाँ से। ठीक है सर, जा रहे हैं। सगाई को कर रहे हो? ए तो अभिषेक जाओ, ये ऐश्वर्या राय नहीं है, अपने पप्पी को संभाल कर। ए चला चलो, अंदर चलो। 145 रुपए की सवारी खाली फोकट छोड़ दिया यार। कुमार चाय पीने के पैसे हैं क्या? नहीं यार। ए टी नगर में एक छोटा कुत्ता गायब है, 50,000 रुपए मिलेगा, पकड़ लेंगे तो 5-10 बांट लेंगे। रानी बाग जू से एक शेर गायब हो गया, उसे पकड़ कर देंगे तो 1 लाख मिलेगा। ए मन्नू, ए ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ मर गई तो मेरी माँ मर गई सर, मेरी माँ मर गई। रुको बेटा, शांत। कैसे सर कैसे, थोड़ा सा फीवर था इसलिए। लो फिर कैसे सीरियस होकर मर गई? यहाँ तक कि इनके शुगर का भी तुमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और मरने के बाद रिश्तेदारी जोड़ रहे हो। वो मेरी माँ थी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ए 2 लाख रुपए नहीं मिले तो बॉडी नहीं देंगे, जो करना है कर लो। ए क्या हंगामा कर रहे हो? सर आई एम मेडिकल ऑफिसर वेंकी, मैंने ही कॉल किया था। दरअसल इनकी माँ की डेथ हो गई है, 2 लाख रुपए फीस बाकी है, पैसे भरने की बात की तो झगड़ा कर रहा है। ए, पैसे भरकर चुपचाप जाए यहाँ से, क्यों बेकार में लफड़े कर रहा है? मैं जब माँ को लाया था तो अच्छी थी। अच्छी रहती तो मरती क्या? सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ए चुपचाप लाश को ले जाओ वरना बीएमसी में डाल दूंगा, समझे? सर बेटा ये क्या कर रहे हो? चुप रहो, शांत रहो, चुप रहो। हमारा तो नसीब ही खराब है, प्लीज सर, हमारे पास उतने पैसे नहीं है सर, आपको बॉडी दे दीजिए सर। 2 लाख रुपए भरो और बॉडी ले जाओ। सर ये क्या बोल रहे हो? देखा सर, मुझे ही धमकी दे रहा है। विंकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं सर, वो जो बुढ़िया मरी है ना, ये उसके रिश्तेदार हैं, बॉडी के लिए लफड़ा कर रहे हैं। सर माँ बच जाती तो पैसे का इंतजाम कर लेता, लेकिन अभी तो वो मर गई, अभी 2 लाख कहाँ से लाके दूंगा सर? इतने पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से कर पाऊंगा सर? सर पूरे 24 घंटे आईसीयू में थी, 3 डॉक्टरों ने अटेंड किया, सभी टेस्ट करवा लिए हैं,
कोई बात नहीं, बॉडी दे दो उसे। लेकिन सर 2 लाख। मैंने कहा ना, बॉडी दे दो उसे, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। अंतिम संस्कार के लिए पैसे हैं? नहीं सर। से कुछ पैसे दे दो और अपने एम्बुलेंस से बॉडी पहुंचा भी दो। सर, सर जो बोला वो करो। भगवान इनका भला करे। चलो चलो बेटा, ये पागल है क्या? क्या बोलकर गया यहाँ से? माँ कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? लेट हो गई। बेटी क्या ऑफिस जा रही हो? हाँ अंकल। अंकल आपका भाड़ा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तू भाड़ा एकदम टाइम पर देती है बेटी, दूसरों के जैसे तू नहीं है। आओ बेटा। नमस्ते अंकल। आज तुम जल्दी रेडी हो गई? रेडी हो गई। तुम इतना लेट क्यों हो गए? ऑडिट चल रहा था ना। ठीक है, बहुत देर तक जागना मत। ठीक है। दाल चावल और सब्जी रोटी रख दिए, खाकर सो जाना। हाँ ठीक है। ओके निकलती हूँ, ये लो। हाँ ठीक है। अरे बोलना, बाय। जल्दी आ जाना। अरे बोलना भूल गई, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो अभी से गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, बाय बाय। सर घटिया दारू है, पानी डालूंगा तो बुलबुला मारता है। फोकट में पीता है और उसमें भी नुक्स निकाल रहा है। सिगरेट है क्या? सिगरेट मैं नहीं पीता सर। सीनियर पूछेगा तो ऐसे जवाब देने का? जा कहीं से भी ले गया। ये काम करने से तो अच्छा है मैं कोई और काम कर लूं। रोको रोको रोको, साइड में लगाओ, चलो रोको। आ गया। रोको, पैसेंजर है सर। लाइसेंस है क्या? सर लाइसेंस, आरसी बुक, एफसी, इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, सब कुछ है सर। 2 किंग साइज है क्या? सर आपकी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। इसमें 3 है, 2 में 1 फ्री है। जाइए सर। थैंक यू वेरी मच। वैसे काम पे नए हो क्या? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? थैंक्स बोलने पे ही मालूम पड़ गया। मुझे नहीं चाहिए, सर को चाहिए। अरे कहाँ चला गया, अभी तक लेकर नहीं आया? आएंगे नहीं, इन पुलिस वालों का कोई मान नहीं होता। ऐसा मत बोलिए सर, बहुत से लोग हैं जो जी जान से काम करते हैं, 1-2 लोग होते हैं जो जान निकालने के लिए काम करते हैं। ठीक है चलो चलो, अभी मुझे जाना है। कितना भी खर्चा पानी दे दो, सुधरने वाले नहीं है। ऑटो, सिटी सेंटर जाना है, चलोगे क्या? ऑटो से पूछ रही हो ना? तुमसे पूछा सिटी सेंटर चलोगे या नहीं, बताओ। बाप रे बाप, तुम लोग सुंदर लड़की देखकर कुछ भी बोलते रहते हो, क्या जमाना आ गया है। चलो अब। कितना दिमाग खाती है। अच्छा मैडम, पार्लर की छुट्टी है क्या? नहीं है। तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं बोले तो पार्लर जाने के बाद चेहरा चमकना चाहिए ना। क्या रे बाबा, अभी 2000 रूपए दे के फेशियल, मैनीक्योर, पार्टी मेकअप, हेयरडू सब कुछ करवाया। हाँ तभी राइट साइड से देखा था ना, तो बराबर दिखाई नहीं दिया। हाँ। सनलाइट बराबर नहीं है ना। अभी लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ तो माशाल्लाह आपका चेहरा एकदम चमक रहा है। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे मैडम, एक कान में बाली डालने की आदत तो आदमी की होती है, लेकिन मैडम आप एक कान में बाली डाल के क्यों घूम रही है? क्या कहा, एक कान में बाली? अरे बाप रे बाप, स्टॉप इट। मेरी बाली कहाँ चली गई? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बाली ढूंढने के लिए बुलाया था ना तुम्हें? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अगर तुम ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अरे मेरी बाली कहाँ चली गई? तुम भी ढूंढो। आप कहाँ कहाँ गई थी? मैं यहाँ गई थी, उधर गई थी, अंदर गई थी। चलो अंदर चल के जल्दी ढूंढो। तुम मेरे पीछे पीछे क्या आ रहा है? वहाँ जाकर ढूंढो। यहाँ बाली खो गई, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, डोंट वरी, आप चालू रखो। हे दीना, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? सॉरी मैडम, मिसिंग इयर रिंग मिसिंग। इसको किसने पार्लर में आने दिया? सॉरी मैडम। मैडम, तुम मैडम, आप और यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इयर रिंग मैडम। ही बेवकूफ, उठ यहाँ से, मुझे क्यों टॉर्चर कर रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? सॉरी मैडम, मैं ये इयर रिंग ढूंढ रहा था। मेरे पैरों के नीचे तुम्हें टीबी सेट और कल्याण के झूले दिखाई दे। मैडम आप गलत समझ रही हैं। तुम मुझे ना, अरे बचाओ, अरे मैं ऑर्डर करिए मैडम, आपकी इयर रिंग मिल गई, ये देखो मेरी जान फंस गई। मैडम मुझे बचाओ, छोड़ दीजिए मैडम। अरे नहीं, अरे मैम नहीं, अरे सुनो मैडम, अरे तुम बताओ मैं क्या करूँ। देखिए ये आ गई, ये खुद ही बता रही है, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? अरे मैडम मेरी कॉलर छोड़ो, अरे भूलिए, ये लीजिए, अरे छोड़िए मैम, क्या कर रही हैं आप, देती क्यों नहीं है तू?
60,000 की डायमंड इयररिंग है ये, खो गई थी, इसे ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, पर तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? नहीं मैम, इसको जब भी कुछ ढूंढना होता है ना, मेरे पैरों के नीचे ढूंढता है, आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा जी, कदर ही नहीं होती उसकी, कोई गलती नहीं है, छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, समझा? मैम शांत हो जाओ, छोड़ो मुझे। अम्मा बेटा शांत हो जा, धीरज रख बेटा, धीरज रख। सर बॉडी जल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं और कोई सबूत नहीं है सर। फोन पे बात नहीं कर सकते, तू जल्दी निकल के यहाँ। किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, रॉन्ग नंबर था। सुबह मैंने काम दिया था, उसका क्या हुआ? आई एम फॉलोइंग सर, इट विल बी फिनिश्ड। ओके। अरे ऐसे हिल मत। क्यों, अच्छी दिख रही हूँ ना? श्रीदेवी लग रही है एकदम। ऐसा क्या? ची ची, रजनीकांत। क्या कुमार, वीजी का मेकअप तो एकदम कमाल है। अच्छा एफसी भेज रहे हो क्या? भैया ऑटो वाली आदत गई नहीं क्या? अरे मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? इसमें बोलने वाली क्या बात है, महीने महीने अमावस्या पूर्णिमा आती है, वैसे ही इसको भी लोग देखने आते हैं, समझा? ए जाने दो ना बहन। बहना फिक्र मत कर, कुमार की बातों को तू ऐसे बुरा मानेगी तो कैसे चलेगा? मेरी बात मानो, मैं तुम्हें एक पार्लर लेके चलता हूँ, वहाँ से मेकअप करवाओगी ना तो जो लड़का तुम्हें देखने आ रहा है ना वो पागल हो जाएगा। चल निकल निकल। ए कॉमेडी नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ। इसकी बातें छोड़ो भैया, मेरी जिंदगी का सवाल है, अब उनके सामने मैं ऐसे जाऊंगी क्या? अरे बहना तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं लेकर जा रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छा पार्लर है। क्यों रे, चेहरे पे बेहोशी का स्प्रे मारने वाला है क्या? चल निकल निकल, सवारी देख अपनी। कुमार वो उस दिन दारू पीकर क्या बोल रहा था, जिस दिन विजी जाएगी उसी दिन दिवाली होगी। सही कहा, जिस काम के लिए आया वो करना, इसके मेकअप में जानता कितना खर्चा होता है, तुझे क्या मालूम पड़ेगा? कंजूस, बहन के खर्चे का हिसाब दे रहा है। अरे दीना भैया अगर चाहो तो इसे भी अपने साथ ले चलो। तू भी आएगा क्या कुमार, तेरे चेहरे पे भी बहुत दाग है, सब ठीक हो जाएंगे। तुझे मार डालूंगा मैं, जा रे। चल। अरे भैया तू भी क्या, तू भी जा। ए दीना इसको कहाँ लेकर जा रहा है, लड़के वाले आने वाले होंगे। माई इसे मेकअप करवाने के लिए पार्लर ले जा रहा हूँ। पार्लर में? अरे रे मुझे भी लेकर चलना, वहाँ पर करली बारों को गरम कर सीधा करते हैं ना, मुझे भी तेरे साथ पार्लर चलना है, ले चलना दीना। अरे उसके लिए क्यों पार्लर जा रही है, अपनी स्त्री वाला है ना, वो पूरा सही करके दे देगा। हाँ आप ही जाकर अपने बालों को सीधा करवा लो। अरे ये तो मानती भी नहीं है। अच्छा हम लोग जा रहे हैं। अरे इसको तो अकल भी नहीं है, कुछ भी बोलो तो मानती ही नहीं है, पता जल्दी नहीं जाके जल्दी आ। ओहो मैम वो फिर से आ गया। कौन आ गया? मेरे लिए पूछे तो मना कर देना। अरे आना विजी, अरे बैठ यहाँ पे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ भाग रही हो? हेलो मैडम, क्या हो जाता, ये अपनी सिस्टर है विजी, इसे एकदम सूप अप बना दो। तुम वही ऑटो ड्राइवर हो ना? हाँ वही हूँ। जेनी यहाँ नहीं है? क्या कहा, जेनी नहीं आई है? ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है? चलो ठीक है हम लोग कल आएंगे। चल विजी हम लोग कल आते हैं। अरे अरे मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, किसी और से मेकअप नहीं करा सकते, हमें तो जेनी ही चाहिए। ये क्या भैया, तो मैं बिना तैयार होकर चली जाऊँ तो फिर लड़के वालों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे विजी तू समझती नहीं है, जैनी बहुत अच्छा करती है। पैसा भर दो ना। ठीक है तू बोलती तो पैसे भर देता हूँ। तू जाने और तेरी शक्ल जाने, वो सब मैं देख लूंगी भैया, तुम पैसे भरो। मुझे क्या, तेरी शक्ल की तो वाट लगने वाली है। अरे ओह मेरे 500 रुपए। अरे अरे रुक, अरे 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 सॉरी मैडम सॉरी मैडम, मेरे पैसे गिर गए थे, मैं उठा कर देती हूँ। सच बोल रहा हूँ, मेरी मिस्टेक नहीं है, पता है। वैसे बताया था कि तुम नहीं आई हो। मैं जब आई तो उनको पता नहीं था। अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पैसे भरो ना। अरे इधर आना विजय। क्या बात है, मैंने बोला था ना ये जैनी है। ओ, नमस्ते, दिस इज विजय माय सिस्टर माय फ्रेंड सिस्टर। इसका सिंपल चेहरा एकदम खूबसूरत बना दो, आने वाला लड़का ना देख के पागल हो जाना चाहिए। सुनो तुमने कभी मुझे मेकअप करते हुए देखा? नहीं देखा। फिर भी तो कैसे बोल रहे कि मैं अच्छा मेकअप करती हूँ। वैसे
तुमने कभी तो अपने चेहरे पे खुद मेकअप किया होगा ना, इतनी सुंदर दिखती हो। वैसे ही मेरी बहन को भी मेकअप करके सुंदर बना दो। ठीक है, आप उधर जाके बैठिए। तुम यहाँ नहीं, वहाँ जाके बैठो। ओके ओके विजी, ओके, यू कंटिन्यू, आई एम सिटिंग देयर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। मैडम एकदम आराम से होने दो, कोई जल्दी नहीं है। कुछ भी बोलेगा ना तो मैं मार दूंगी। खाइए खाइए, फ्री का माल है, खाइए। ये मेकअप कर रहा है या पूरा पार्लर खरीद रहा है? क्या जल्दी है? अरे एक किलो भजिया पूरा खत्म हो गया है। अरे अभी निकलता हूँ। मैडम आप ये क्या कर रही हो? गोल्डन फेशियल। सिखाओगी? सिखाऊंगी, 2000 एक्स्ट्रा भरना होगा, भर दोगे? छी छी, ये सीख कर मैं क्या करूंगा, आप हो ना करने के लिए। ओहो तुम काम करने दो ना। ठीक है, यू टेक योर टाइम, आराम से करो। हाँ अरे यार इतनी देर क्यों हो रही है? बस ये सब क्या है डैडी? मेकअप ओवर, कैसा है? परफेक्ट ना? जरा बताओ, मेकअप कुछ ओवर लग रहा है ना? क्या कहा, ओवर है? नहीं नहीं, एकदम एंजल जैसी लग रही है। अब ठीक कहा, लेकर जाओ। ऐसे कैसे जाएंगे, जरा सोचने दो। सोचना क्या है? ये सब निकाल के वापस लगा दो, मैं दोबारा पैसे भरता हूं। मिटा के वापस लगाओ, पागल हो गया? वो लोग वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। जीजा जी को पसंद आना चाहिए ना, तुम चुप रहो विजी। जरा चुप रहो ना। ए दीनो, अरे क्या है ये सब? क्या कुमार तुम लोग यहीं पे आ गए? मेकअप अभी तक खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा करेक्शन बाकी है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे मैं ही नहीं, जीजा जी, होने वाले जीजा जी भी यहाँ आ गए, यहीं दिखा दो। हाँ ये नहीं है विजी, तू आ, ये लड़की है। मेकअप किए बगैर भी बहुत सुंदर दिख रही हो। क्या मेकअप नहीं किया? एक घंटे से मेकअप कर रही थी मैं। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। थाली बदलने की रस्म की है? हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे। अरे पहले तो हम सब लोग फोटो निकालेंगे। सलीम फोटो निकालो, चलिए आजा। चलो सब लोग खड़े हो जाओ, स्माइल स्माइल करो। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ही मिला था इसे करने के लिए। उसकी आंखों में दिल कुछ ऐसे खो गया है, ना जाने मेरे यारो मुझे क्या ये हो गया है। उसकी आंखों में दिल कुछ ऐसे खो गया है, ना जाने मेरे यारो मुझे क्या ये हो गया है। वो हंसे तो लगता है गुलशन खिल गया, वो मिले तो लगता है सब कुछ मिल गया। गया गया मिल गया, बेखबर आए जब वो नजर उसके ख्यालों का
समा ना जाने ले जाएगा कहाँ। मेरे दिल की हर खुशी वो है मेरी जिंदगी, वो है मेरी जिंदगी, वो मेरे दिल की हर खुशी वो। अब उसके बिन लगता है जैसे मुश्किल होगा जीना, ना दिखे अगर वो तो लगता है सब कुछ सुना। हेलो, बोलो भाई। कितना, क्या कहा, चार? वो भी एक ही दिन में हो जाएगा ना? कहाँ पर, कहाँ पर करना है? चेन्नई में। अच्छा, कीमत कितनी होगी? ओके भाई, हो जाएगा। ठीक है भाई। ए, हमें चेन्नई जाना होगा, जल्दी से सारा सामान निकाल लो। हाँ। आज के समय में ड्रामा कितना सार्थक है सर? देखिए, हमारे गांव में संस्कार और कहानी को जितना सम्मान मिलता है, उतना ही सम्मान नाटक और खेल को भी मिलता है। आने वाले जनरेशन में नाटक को जनता भूल जाएगी, इसीलिए हम सब ये कोशिश करते हैं कि देश में परंपरा कायम रहे। आपकी ख्वाहिश क्या है? नाटक खेल का अंत नहीं है, लाइफ में एंड ही नहीं है, तो उसके लिए ख्वाहिश क्यों? मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी सांसें हॉस्पिटल में नहीं, स्टेज पे खत्म हो। पापा! पापा? अरे मैं यहीं पर हूँ। पापा, क्या है तेरा ये लफड़ा, कभी खत्म ही नहीं होता। पूरा घर बदबू मार रहा है, फायर सर्विस को फोन करूँ क्या? बदबू नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है। गोभी की कड़ी, करेले का जूस चखने के लिए बनाया है। ऐसे ही करते रहोगे ना तो एक ना एक दिन मैं अपनी जबान काट के मर जाऊंगा। हाँ, और आप भी मेरी मौत के कारण है, ऐसा मैं सुसाइड नोट में लिख दूंगा, उसके बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी। ऐसी बातें कर रहा है? दोपहर को टीवी में खाना खजाना देखा, उसने जो बताया उसी को ट्राई किया, अब उसके लिए यही सब करने की क्या जरूरत है? अरे आज खाना बहुत टेस्टी बना है,
इसीलिए बुलाया तुझे। अरे दीना, चूहा मर गया क्या? इतनी बास आ रही है, बाहर फेंक उसे। ए, अपना काम करना। हो गई तसल्ली, यही चाहिए था ना आपको। तुम खाने की कीमत क्या समझोगे? क्या पापा, रोज सुबह सुबह शादी का प्रोग्राम और जोड़ीदार का प्रोग्राम टीवी में दिखाई देता है, वो सब देख के लड़के के लिए मैरिज फिक्स करना चाहिए, वो सब छोड़ के किचन का प्रोग्राम देख के अपना टाइम वेस्ट कर दे। तेरी उम्र ही कहाँ है अभी, 5 साल रुक सकता है तू। क्या कहा, 5 साल? 5 साल में शादी नहीं करूँ? आपके भरोसे रहूंगा ना तो आपके साथ बैठ के कुकरी प्रोग्राम देखना पड़ेगा मुझे, उसके बाद भी शादी नहीं होगी। शादी करनी है ना तो ठीक है, करवा देते ना। ए, हमारे कर्म स्वामी के घर में कनिका नाम की एक लड़की है, दिखने में ठीक ठाक है लेकिन खाना अच्छा बनाती है। वो सब मुझे नहीं चाहिए। हाँ? मैंने अपने लिए कनिका को? नहीं पापा, कोई दूसरी है। क्या बोल रहा है? अरे हाँ पापा, मुझे ओके है लेकिन उसको ओके नहीं, लेकिन उसे ओके होगा ऐसा लग रहा है। जब उसका ओके हो जाएगा ना तो मुझे भी ओके और आपको भी ओके। लेकिन अगर आपको ओके नहीं है ना और उसे ओके है तो हम दोनों को ओके। ओके ओके ओके। पान खा के पैसे नहीं देते हैं ये। रिक्शा खाली है भैया? हाँ आइए बैठिए। सब चला गया, मेरी बेटी की शादी के लिए जमा किया हुआ सब सोना और पैसा चला गया, अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? अच्छी तरह सोच के बताओ भैया, इसी स्टैंड से गए थे ना? इस स्टैंड से नहीं भैया, रोड के कोने पर चढ़ा था मैं। क्या हुआ सलीम, क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने इस जगह से ऑटो पकड़ा था जिसमें अच्छा। उनका बैग छूट गया, उसमें रुपए और गहने थे। 2 लाख रुपए और बहुत सारे गहने थे, सब चला गया बेटा। लाल थैली में सब कुछ था भैया, उतरने के बाद मालूम पड़ा कि थैली तो ऑटो में ही छूट गई है। देखिए अंकल, हमारे स्टैंड से ऑटो पकड़ा होगा ना तो पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि हम खुद ही पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देते हैं। अब कौन से स्टैंड से आपने रिक्शा पकड़ी होगी ये सोचने वाली बात है। ए, अपनी तो गाड़ी कहीं बाहर गई ही नहीं। सतीश की गाड़ी, मन्या की गाड़ी, कुमार की गाड़ी। दीना, सतीश तो मंदिर गया है, मनीष को लूज मोशन हुआ है इसीलिए वो आया नहीं। कुमार ने वहाँ से एक सवारी ली थी, मैंने उसे सिग्नल पर देखा था। हाँ, कुमार रहता तो पुलिस को दे देता था। उन्हीं पैसे के भरोसे शादी का इंतजाम किया था। लोग मीटर के ऊपर का 10-20 रुपया मांग के ले लेते हैं लेकिन दूसरों की चीज का हमें लालच नहीं है। बच्चा लोग को बोल के ढूंढे बोलता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो घर पे आके बता दूंगा। अच्छा, रहते कहाँ हैं आप? बस अड्डे के पास ही मेरा घर है। के घर के पास, चरा सिंह की दुकान के बगल में। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ के दे देंगे। अब सब तुम्हारे ही भरोसे है बेटा, मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है अंकल, सब ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा, ऑटो की कोई निशानी याद है? ज्यादा तो कुछ याद नहीं है लेकिन हाँ, ऑटो में बाबा का फोटो लगा हुआ था। बाबा बचा लेंगे, जाइए आप। ठीक है बेटा, ठीक है, जाइए, छोड़ के आ जाओ। तुम्हारे ही भरोसे हम जा रहे हैं बेटा। चाचा जी डरिए मत, बाबा सब देख लेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं। किसकी गाड़ी हो सकती है यार? सबवे स्टैंड की गाड़ी सुबह यहीं से गई है। हाँ। अच्छा, सारे ऑटो स्टैंड को खबर भेज दो, थैला मिले तो पुलिस स्टेशन में दे देने का। सलीम, तू सबको फोन करके पूछ ले, चल। ठीक है भाई। हेलो, क्या दीना, बहुत हलचल है यहाँ? कुछ नहीं कुमार, एक चाचा है, उनकी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ पैसा और गहना दोनों ऑटो में ही छूट गया, उसी का पता लगा रहे हैं हम लोग। अरे बाप रे। अच्छा, तू आ कहाँ से रहा है, सुबह से दिखाई नहीं दिया? वो कल रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी ना तो पकड़ा गया था, अभी ऑटो लेकर आ रहा हूँ। घर से आ रहा है क्या? हाँ दीना, अभी घर से आ रहा हूँ। ऐसा क्या? क्या दीना, ऐसे घूम घूम के क्या देख रहा है? कुछ तो बदला हुआ सा लग रहा है। ऑटो में कुछ नहीं बदला है। मैंने ऑटो की बात तो की ही नहीं रे। कुछ तो बदला है।
अब ऑटो में बदला है या तेरे में, इसका पता लगाना पड़ेगा। क्या दीना, ऐसा क्यों बोल रहा है? सुबह से तूने भाड़ा नहीं लिया। नहीं यार। पीछे लगा भगवान का स्टिकर कहाँ है? कौन से भगवान? मेरी गाड़ी में कौन सा स्टिकर? सच बोल दे कुमार, तुझे झूठ बोलना आता नहीं है, मुझे पता है। सुबह तूने भाड़ा उठाया था ना? मैंने वो सब नहीं किया। मैं पूछ रहा हूँ तो तू झूठ बोल रहा है क्या? तुझे मैंने महिलापुर में देखा था और तू बोल रहा है कि भाड़ा नहीं उठाया। तेरे गाड़ी में स्टिकर मेरे पापा ने लगाया था और तुझसे पूछा तो तू ना बोल रहा है। देख सच बोल, वो चाचा का भाड़ा तूने उठाया था या नहीं? मैंने नहीं उठाया। मुझसे झूठ बोल रहा है? कहां से सीखा तूने झूठ बोलना? बोल, चोरी करेगा क्या? चोरी करेगा तू? चोरी करेगा? मैंने जान से नहीं कहा ना, चोरी करेगा, चोरी करेगा। जान ले लूंगा तेरी मैं। रुक ना, पता है तुझे इधर कुछ? अरे क्या कर रहा है? कितना परेशान था यार तुझे? छोड़, वो छोड़ूंगा तुझे मैं। जान ले लूंगा तेरी। झूठ बोलता है, मुझसे झूठ बोलता है तू? बोल पैसा क्यों चुराया और कहां रखा तूने? बोल दीना, बोल कहां रखा तूने पैसा? क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर आओ, सुनाई नहीं पड़ा तुझे? जल्दी इधर आ, जल्दी आ, जल्दी। क्या लफड़ा कर रहे थे तुम लोग वहां पर रोड के बीचों बीच में? लफड़ा सर, दशहरा के ड्रामा के लिए हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। हम दोनों का रोल है ना, है ना रे? हाँ। रोड के बीच में रिहर्सल? तेरे को वो मार तो नहीं रहा था ना? क्या सर, मजाक क्यों कर रहे हैं? हम दोनों तो भाई जैसे हैं, हम तो झगड़ा करेंगे। कभी ना कभी स्टेशन तो आओगे, तभी देख लूंगा तुमको कौन बड़ा है कौन छोटा है। जाओ, देख लूंगा। चलो चलो चलो, तुम झूठ बोलते हैं। सच बोल बे, अबे सच बोल। हाँ यार, वो बहन की शादी के लिए मैंने ही चुराया है वो। उनके घर पे भी एक लड़की है, वो भी विजय की तरह किसी की बहन है। अब चल। अजीब सा लग रहा है यार। चुराते वक्त तुझे अजीब नहीं लगा? देते समय अजीब लग रहा है? जा दे। चाचा। कौन हो भाई? अंदर आओ, आओ आ जाओ। ये लीजिए चाचा, आ? आपके पैसे और गहने। ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा। शारदा, हाँ, शारदा, आती हूं। शारदा, अरे क्या हुआ? देखो हमारा पैसा मिल गया, हमारा पैसा मिल गया। देखो देखो, सब कुछ मिल गया, मिल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे गहने भी मिल गए। देखो देखो सब है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे परिवार को बचा लिया। बेटा जी की उम्र के हैं आप, मेरा पैर मत छूइए। तुम इंसान नहीं हो, तुम तो भगवान हो बेटा, भगवान का भेजा हुआ। तुम मेरे बड़े बेटे हो। आओ बैठो 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ बैठो। ठीक है ठीक है। अरे अंदर जाकर कुछ पानी वानी लेके आओ। लाती हूँ। बेटे गीता जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो ये इंसान नहीं है, भगवान है बेटा। इनके पाँव पकड़ो, इनके पाँव पड़ो बेटा, ये भगवान जैसे हमारे लिए। पाँव पड़ो उनके। अरे नहीं, पाप मत चढ़ाइए। आपके आपके माँ बाप बहुत ही भाग्यवान है बेटा। ये लो बेटा पानी, पियो पियो बेटा पी लो। बेटा, 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 रुको थोड़ा बेटा, रुको रुको। देखो बेटा हमारी बेटी की शादी है, ये शादी का कार्ड है बेटा। देखो बेटा तुम शादी में जरूर आना बेटा। ये लो बेटा, ये लो कार्ड ले लो। चलता हूँ चाचा। देखो बेटा शादी में जरूर आना बेटा, आप लोग भी आना बेटा। ठीक है अंकल, कोई हेल्प चाहिए तो बोलना, हम लोग आ जाएंगे। तुमने जो किया बेटा उससे बड़ी मदद और कोई नहीं हो सकती। ऐसे फ्रेंड मिले हैं तुमको, इसके लिए तुमने बहुत पुण्य किए होंगे। ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। ए! क्या ये डीजल ऑटो के जैसा डुगु डुगु रो रहा है? नहीं दीना, तू नहीं होता तो वो परिवार मेरी वजह से बर्बाद हो जाता। छोड़ ना यार, पैसा लौटा दिया ना। और किससे गलती नहीं होती है? गलती करता है वो इंसान है और सुधरने वाला भगवान है। अरे तू भगवान है यार। हाँ दीना, मैंने भी देखा है इसे। अपना कुमार बिल्कुल हनुमान जी के जैसा दिखता है।
ए कुमार, फिक्र मत कर यार, विजी की शादी के लिए पैसा जरूर मिल जाएगा। पर कहां से? वही गाड़ी का आरसी बुक है ना, बेच देंगे। मेरी गाड़ी का एक तो मिल जाएगा और मेरी गाड़ी का भी 50-60 तो मिल ही जाएगा। फिर फिक्र की क्या बात कुमार, साफ हो जाएगा। हम लोग है ना यार, हिम्मत से काम ले। अरे क्या रो रहा है यार, रोते हुए लंगूर के जैसे दिखता है। जल्दी चलो यार, टाइम हो गया है। हाँ? इसकी ऑटो में बैठना नहीं। हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो मैडम, दीपा मैडम। हे, तू इसे कैसे पहचानता है? तू इसका हस्बैंड है क्या जो इतने अकड़ से नाम बुला रहा है? नाम तो बुलाने के लिए होता है, और मैं मैडम करके बुलाया ना। देखो दीना, आज से हम तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठेंगे। क्यों? मैंने कोई गलती की? सही क्या? और गलत की बात नहीं है, फायदे और नुकसान की बात है। मैं समझा नहीं। रोज तेरे ऑटो में आने का 55 और जाने का 55 कुल मिलाकर 110 रुपए हुए ना। बराबर। इसलिए आज से हम शेयर ऑटो में ही जाएंगे। इससे महीने का 1800 रुपए ही लगेगा, तो इससे हम लोगों के पैसों की बचत होगी ना। ये आइडिया किसने दिया तुम्हें? ये मेरा आइडिया है। 5 साल से तू हमें चीट कर रहा है। 1 महीने के लिए 1500 है ना, साल में 18,000 हुआ ना, 5 साल में 90,000, समझा? ओहो। उस 90,000 को लैंड में डालेंगे तो अभी उसकी वैल्यू 10 लाख, गोल्ड में डालेंगे तो 15 लाख, शेयर में डालेंगे तो 20 लाख मिलेंगे। खाली मीटर का 60 रुपया क्या मांग लिया? तो तुम तो 3G ब्लैक मनी जैसी बातें करने लगे। मैं क्या चोर हूँ क्या? वही तो बात है। ऐसा क्या? उसे जाने में फायदा भी है और सेफ्टी भी। ओहो हो हो। छोड़ो, जाइए मैडम जाइए। मैं चलो। भी देखता हूँ कितने दिन के लिए सेफ्टी होगी। ये शेयर ऑटो सेफली लेके जाएगा। जाओ। ए रुक 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 रुक, गाड़ी साइड में लगा, लाइसेंस दिखा। इधर आओ। ए क्या हुआ? तुम दूसरी गाड़ी देखो। ओके सर। ए ये कौन है? मेरी फियांसी है सर। अच्छी फैंसी वाली लड़की को बुला के उसे फियांसी बोल रहा है। सर इज्जत से बात कीजिए सर। इज्जत से? हाँ। ए चेहरा दिखाओ। सर कपड़ा हटा के अपना चेहरा दिखाओ। उधर क्या देख रही हो? कांस्टेबल। हाँ सर। इसे देखकर ऐसा लग रहा है एसवी रोड में जो उस दिन पकड़ा था वही तो नहीं है। सर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। बस कर, मुझे मेरी लिमिट मालूम है। तेरा नाम क्या है? शक्ति। तेरा नाम? जस्सी। जस्सी, सेक्सी नाम रखना था तुम्हें, और अच्छा लगता। सर प्लीज छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। ऐसा है? अरे जस्सी छोड़ देंगे तुम्हें। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए हमें। ठीक है जस्सी, तुम गले लिपट करके मुझे किस देकर चली जाओ। सर इससे मैं शादी करने वाला हूँ सर। शादी से पहले ही तू मर गया ये समझ ले। सर सर अरे ऐसे ही बोला ना, तब तू दूसरे से शादी करके बच्चा नहीं पैदा करेगी वैसे ही। सर ऐसा मत बोलिए सर, प्लीज सर ऐसा मत बोलिए। सेंटीमेंट है। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए सर। टाइम बहुत हो गया है, एक किस देकर बस चली जाओ। बहुत सोच रही हो तुम। ए कांस्टेबल। जी सर। वो गांजा पैकेट हमारी गाड़ी में है ना? हाँ सर। उसे निकाल कर ले आओ, इन दोनों पे केस लगाना है। ओके सर। सर प्लीज सर हमें जाने दीजिए सर। प्लीज सर सुनो, केस देकर तुम जल्दी से अब यहाँ से चली जाओ। हे भगवान, ये क्या जानती है। किस लो? लगता है बिरयानी खाया है। कौन सी बिरयानी? मटन बिरयानी। आज मेरा उपवास है इसीलिए तू बच गई। ले चल निकल यहाँ से। मांगने वाले को खून दोगे तो ठीक है, ये किस दे रही है और तू इससे शादी करने वाला है। चल जा निकल। क्या सर आपने छोड़ दिया उन्हें? जाने दे,
20 साल का उपवास है, एक किस की वजह से नहीं टूटना चाहिए। लेकिन एक बात है, जमाना कितना खराब हो गया है। भाई क्या सबको आज ही खत्म कर देंगे? ए, एक ही पुलिस वाला है, बाकी सब लोकल लोग हैं। हाथी पार्क चलते हैं। ए, हाथी पार्क चलोगे? चलूंगा ना सर, बैठ जाइए। कितना होगा? सर जितना मीटर में होगा उतना ही ना। क्यों, मीटर के बिना नहीं चलते क्या? सर हम लोग बादशाह का फैन है, ओरिजिनल ट्रेडमार्क का मीटर है। शहर में नए हो क्या? क्यों, नए आदमी को पूरा शहर घुमाओगे? अपन कुछ नहीं बोलेगा, बैठिए ना। चल मीटर डाल। रुक रुक रोक दे। ए, पैसे दे। हाँ ठीक है भाई। थैंक यू सर। ए, सिगरेट लेकर आ। हाँ बोल रहे, कैसी है रे तू, पेशाब करने का ही टाइम कॉल करती है? हाँ ये रोज का इसका नाटक है। ए, ऑटो। अरे ये तो यहाँ है। क्या मैडम रास्ते में ही खड़ी हो, शेयर ऑटो में नहीं गई क्या? प्लीज दीदी शेयर ऑटो नहीं है, चलो ना। पहले बाहर निकलो, बाहर निकलो पहले। बहुत टाइम क्या बोली थी तभी? लैंड में डालेंगे तो 5 लाख, गोल्ड में डालेंगे तो 10 लाख, शेयर में डालेंगे तो 20 लाख। हाँ देखो वो तो हम लोग मजाक कर रहे थे, अब मान जाओ ना, लेकर चलो, बहुत टाइम हो गया। 1000 रुपया दोगी तो भी मैं गाड़ी नहीं निकालूंगा। दुल्हन का मेकअप करना है, प्लीज मदद कर दो ना दीना। ठीक है लेकिन हाँ मेरी एक कंडीशन है। मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलूंगी। तुमसे कौन पूछ रहा है, खाली फोकट बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ, समझी? क्या है बोलो। अभी से ना खाली मेरी गाड़ी में आने का। अच्छा आज से हम तुम्हारे ऑटो में जाएंगे, शेयर ऑटो में नहीं जाएंगे। क्यों? एक टपोरी ने इसे धक्का मारा और इसने चप्पल उठाकर दिखा दी, इस वजह से वहाँ बहुत लफड़ा हो गया। उस दिन तो एकदम सेफ्टी और फायदे की बात कर रही थी ना। अच्छा वो सब जाने दो, माफ कर दो ना प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, मीटर के ऊपर जितना होगा उतना होगा। चलो बैठो। हाँ चलो। ए जेनी जिद मत कर, चल ना। ज्यादा भाव खाएगी तो छोड़ के चला जाऊंगा। ए ऑटो, सैदापेट जाने का। सर रात ज्यादा हो गई है, मीटर से ज्यादा लगेगा। टेंशन मत ले, मिल जाएगा। हाँ, चल ठीक। ए चल बैठ। हाँ यहीं पे रोक दो, राइट में। हाँ जी रोक दो। सर मैं यहीं वेट करूं क्या? नहीं लेट हो जाएगा। 90 रुपए हुआ सर। ए देता हूँ भाई। सर 500 का चेंज नहीं है सर, जो है वो दे। साढ़े 300 ही है। हाँ चलेगा दे दे। सर आईटी कंपनी में काम करते हैं क्या? क्यों 50-60 रुपए के बारे में सोचा ही नहीं इसलिए पूछा। चलो मैं भी पढ़ाई पे ध्यान देता तो लोगों को टिप्स देता। कहाँ चला गया ये, औरत से बात करने के लिए इतना टाइम लगा रहा है। सर 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 सर, अरे बाप रे, कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम। क्या मैडम सब लोग एकदम चुपचाप कहीं को बैठी है? तू मुंह बंद करके गाड़ी चला,
तेरे गाड़ी में नहीं आए थे इसलिए श्राप दिया ना। शेयर ऑटो में भी लफड़ा हो गया, लेट भी हो गया, तुझे देखते ही सब गलत हो जाता है। ए, 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 रोक रोक रोक, गाड़ी लगा। हाँ इधर ला, इधर ला, साइड में लगा। हाँ साइड में रोक रोक। नमस्ते सर। सर के पास जा। सवारी है सर। मैं भी थोड़ी सवारी कर लूं। कस्टमर है सर। हा? अरे मुझे भी थोड़ी देर के लिए कस्टमर समझ ले। ये कैसी बात कर रहा है सर? प्लीज सर, फैमिली है सर, इनको अर्जेंट जाना। अरे तेरी बीवी और साली है क्या? नहीं फिर सर। क्यों बोल रहा है मेरी फैमिली है? ए, सब लोग बाहर निकलो। सर सुनिए ना सर। ए कांस्टेबल इधर आओ, इसका आरसी बुक और पेपर चेक करो। तुम लोग इधर आओ, आराम से चेक करना, कोई जल्दी नहीं है। ए, 100 रुपए का डाल। सर दूसरा नोट दीजिए। क्यों, ये डुप्लीकेट है क्या? फटे हुए नोट पर टेप लगा हुआ है। अरे बाप रे, जहां से लिया है वहीं पर जाकर चेंज कर लीजिए ना। अभी यहीं पास ही एक सवारी को छोड़ा हूँ, उसी ने पैसे दिए हैं, देखता हूँ मैं। कौन सा लॉज चलें? क्या? अरे किधर जा रही हो? सूर्य वेडिंग हॉल। ओह, पहले लॉज बुक करके सब कुछ हो जाता था, पुलिस की खिटखिट ज्यादा हो गई है, इसलिए शादी का मंडप बुक किए हो क्या? सर हम लोग पार्लर में काम करते हैं, ये लो हमारा विजिटिंग कार्ड। कल भी दो पार्लर में रेट डाला था। तुम्हारे यहाँ मसाज भी होता होगा ना? नहीं सर। सच बताओ, मसाज होता है कि नहीं? सर ये ऐसा पार्लर नहीं है, हाई प्रोफाइल है। ए, मैं क्या लो प्रोफाइल का देखता हूँ? मसाज करोगी ना? सर तमीज से बात करो। ए, मुझे तमीज सिखा रही, चलना। सर सर सर, मेरी जान पहचान की है, छोड़िए ना सर। ए, ए, तू दलाल है क्या इसका? सर गलत मत बोलिए सर, ये लड़कियाँ वैसी नहीं है। हाँ मैं भी तो जाने के लिए कह रहा हूँ, चलो। छोड़िए ना सर। सर सुनिए ना सर, जाने दीजिए सर। मेरे से ज्यादा मेरी गन। सर ये लड़की वैसी नहीं है। मैं नहीं चलाऊंगा फिर भी चल जाएगी। बोलो क्या करूं, गन को बोल दूं चलने के लिए? सर ये लड़की वैसी नहीं है। चुप। सर क्या कर रहे हो सर आप ये? सर नहीं सर, सर गलत बात। सर छोड़ दीजिए, नहीं सर छोड़िए सर। चलो दीना। इसे ले चलो, ले चलो, उठाओ उठाओ, इसे लॉकअप में डाल के अब सब सिखाऊंगा। नॉनसेंस, तुम लोग बच के निकालो। कॉलिंग पेट्रोल, कॉलिंग पेट्रोल, कॉलिंग टू इंस्पेक्टर पशुपति, प्लीज कम ऑन लाइन। कम ऑन लाइन प्लीज। लोगों का नसीब अच्छा है जो गलत टाइम पे फोन आ रहा है। कम ऑन लाइन इंस्पेक्टर पशुपति, कम ऑन लाइन। कॉलिंग पेट्रोल। इंस्पेक्टर पशुपति रिसीविंग। इंस्पेक्टर पशुपति बोल रहे हो? हाँ इंस्पेक्टर पशुपति हियर रिसीविंग। जल्दी से कच्ची पाले पहुंचो, उधर एसआई रत्नम का मर्डर हो गया है। एसआई रत्नम का मर्डर? हाँ जल्दी से स्पॉट पर पहुंचो। ओके सर पहुंच रहा हूँ। इसकी तो किधर चली गई है सब? छे। सर एसआई रत्नम। ए, चलो चलो गाड़ी निकालो, चलो जल्दी चलते। ठीक है सर। चलो गाड़ी तेज चलो, जल्दी पहुंचना है। भाई छोड़ना नहीं, आज इसको खत्म कर ही देना है। हाँ मैं पकड़ता हूँ। अरे चुप हो, दबा दो भाई। अच्छा
hey, कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। Oh, just स्टार्ट नहीं हो रही थी सर, गाड़ी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी सर। देख रहा था, अब तो चालू हो गई ना, तेना वेट चलना है। चलो सर, मैं उस साइड नहीं जा रहा हूँ। तब तो बोल रहा था कि रोकेगा, मीटर के ऊपर 100 रुपए मिलेंगे। चलो चलो। हे भगवान, कैसे भी आज बचा ले। अरे ऑटो क्यों रोक दी? सर एक नंबर जाके आता। ठीक है, जल्दी होके आओ। ए, उसके आने तक राइट में खड़े हो जाओ। ठीक है। ए, क्या आदमी है ये, कितनी दूर जा रहा है। फोन उठा यार, जल्दी उठा मेरे भाई। हाँ बोल कुमार। दीना कहाँ है तू? अरे मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। अरे तेरे से बड़ी प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूँ यार। मेरे ऑटो रिक्शा में दो खूनी बैठे हैं। खूनी? हाँ यार, मैंने उन लोगों को खून करते हुए देखा है। उनको नहीं मालूम पड़ा कि मैंने देख लिया है। अभी कहाँ है तू? सीटी नगर से टेनाम्बनेट जा रहे हैं। एक नंबर आई है, ऐसा झूठ बोल के तुझे फोन कर रहा हूँ। तू डर मत, और एक काम कर, किसी भी तरह वहां से भाग जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। किधर जा रहा है? पुलिस की गाड़ी में आराम से फोन पे बात कर रहा है। सर मेरा दोस्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तू क्या आराम से है? तू भी तो प्रॉब्लम में है। सर जो बोल रहा हूँ वो सुनिए ना, मुझे जाने दीजिए ना सर। मार के डाला तो तू फोन पे कैसे बात कर रहा है? फोन दे सर, दे फोन दे सर। सर जाने दीजिए ना। फोन दे ना। अरे सर सुनाई नहीं पड़ता, फोन दे। जाने दीजिए ना सर। इधर। अरे ला इधर। सर सुन क्यों नहीं रहे आप? सर सर जाने दीजिए मुझे सर। ए पकड़ो। अरे भाग रहा है, पकड़ो उसको। ए रुक रे, रुक जल्दी करो। ए रुक। अरे उसे जाने क्यों दिया सर? आपको कुछ हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो जल्दी गाड़ी निकालो। नहीं सर, पहले स्पॉट पर जाएंगे, आईजी साहब आते होंगे। ओह ओह, चल जल्दी चल। ठीक है सर। आज तो तू बच के निकल गया, अगली बार फंसा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो जल्दी चलो चलो। हेलो। हे सलीम, कहाँ है तू? मैं इधर चाय की दुकान पर हूँ। तू जल्दी से सीएनटी नगर पे पहुंच जा, वहाँ कुमार की गाड़ी होगी। लेकिन हुआ क्या? अरे तुझसे जितना बोल रहा हूँ उतना कर, जल्दी जा। ठीक है जाता हूँ। ए क्या है रे, हाँ क्या कर रहा है? ए काम आ रहा, रुक। ए रुक रुक। अरे काम आ रहा है, रुक। एक मिनट जरा शांत रहिए सर। स्पॉट से एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, विटनेस भी आई है सर। सर तुमने जब देखा था तब ये जिंदा थे? यस सर। कुछ आवाज वगैरह सुनी थी? नहीं सर। ठीक है, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो। ठीक है सर, आप जैसा बोलते हैं वैसे ही करता हूँ। इंस्पेक्टर सुनो सर, यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सब चेक करो। यस सर। एक भी ऑटो वैन कार मिस नहीं होनी चाहिए। चेन्नई को फुल अलर्ट कर दो। यस सर। जिसने भी हमारे आदमी को मारा है वो बचना नहीं चाहिए। ओके सर। कुमार,
कुमार। ये तो वही है जो उस दिन रोड पे झगड़ा कर रहा था। हम दोनों तो भाई जैसे हैं, हम क्यों झगड़ा करेंगे? सबसे पहले मर्डर की इन्फॉर्मेशन किसने दी? मैं सर। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है सर। ये मेरा दोस्त कुमार है सर। हम सब लोग बादशाह ऑटो स्टैंड पर रहते हैं सर। इसकी मौत कैसे हुई, तुम्हें कैसे पता चला? हमारे दोस्त दीना ने फोन किया था सर, बोला जाके देख कुमार प्रॉब्लम में है। ये दीना कौन है? वो भी ऑटो ड्राइवर है क्या? हाँ सर। उसके ऑटो का नंबर क्या है? TN10AA3643 सर। बोलो। ओ, अच्छा, हम लोगों ने जो ऑटो पकड़ा था, लगता है वो रत्नम को ही मारकर आ रहा था। मुझे तो लगता है ये बात सही है। बिल्कुल सर। हमसे बचने के बाद वो लोग उधर निकल गए और इधर आके इसको मार दिया। सर, दीना और कुमार दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सीजर और बुटस भी बहुत अच्छे दोस्त थे। ये बता, इससे तेरा क्या संबंध है? नहीं नहीं सर, मेरा कोई संबंध नहीं है ना? फिर तुम अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हो जाओ। कांस्टेबल, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ओके सर। और सुनो, दीना की पूरी डिटेल्स इकट्ठा करके मुझे जितनी जल्दी हो इन्फॉर्म करो। शहर के सारे स्टेशनों को मैसेज दे दो और अलर्ट कर दो। ओके ओके सर, बताता हूँ सर। मैंने जो कहा उसे सही ढंग से फॉलो करो। ओके। तेनाम बेटे में एक और मर्डर हुआ है सर। और एक मर्डर? हाँ सर, हॉस्पिटल ले जाने वक्त उसकी सांस चल रही थी सर, लेकिन बाद में मर गया। बॉडी अभी हॉस्पिटल में ही है सर, उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। अभी उसकी बॉडी कहाँ पर है? रायपट्टा GH में है सर। जल्दी चलो, गाड़ी निकालो। ठीक है सर। शनि ग्रह कभी अकेले नहीं जाता है, सबको साथ में लेकर जाता है। ये क्या हो गया कुमार? अरे तू मर गया, मैं कैसे तेरे घर पर बताऊं? मुझे की शादी भी नहीं की तूने और तू चला गया। तेरी बहन का क्या होगा कुमार? तेरे घर वालों का क्या होगा? कुमार, तुमने वहां पर क्या क्या देखा? जो आदमी मरा है उसका हाउस ओनर है सर। क्या देखा बोलो? शिवा के घर पे ऑटो आया था ऐसा मैंने सुना था सर। थोड़ी देर बाद कुर्सी टेबल का आवाज सुना सर। टीवी का वॉल्यूम ज्यादा था सर, वो कम करने के लिए बोलने गया था मैं सर। शिवा फिर बेहोश था सर। स्पॉट पर जाकर तुमने देखा था? देखा था सर, ये कंफर्म मर्डर ही है सर।
मैंने वहाँ पर जाकर जांच भी की सर, मुझे वहाँ पर बहुत सारे सबूत मिले। उसके पेट में बहुत मारा गया था सर, पेट में सूजन थी। तुम्हें ऑटो की आवाज सुनाई दी थी ना? हाँ सर। जिधर भी जाओ बस वो ऑटो की बात ही सुनाई दे रही है। देखो इधर से जो भी ऑटो जाए उस पर नजर रखना। जाओ। रुको, इधर आओ। सर, बिना पूछे अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो तुम लोग? सर, कुमार सर। ए, वो तो मर गया ना, दीना ने उसको मारा है ना? सर, दीना ऐसा आदमी नहीं है। सर तू चुप रह, तुझे मालूम है दीना किधर है? मालूम नहीं सर। ए, चल फोन लगा, उसका नंबर डायल कर। क्या हुआ? स्विच ऑफ है। क्रिमिनल जो है ना वो? सर, दीना क्रिमिनल नहीं है सर। तू दीना का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसको जाके बोल दे कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। सॉरी सर। नहीं तो उसके साथ साथ तुम दोनों को भी अंदर डाल दूंगा। चलो जाओ जाओ। सर क्या हुआ? शिवा कहाँ है? शिवा को क्या हुआ सर? तुम शिवा की वाइफ हो? हाँ हाँ सर, मैं ही शिवा की वाइफ। अरे मैडम, रात में हस्बैंड को छोड़ करके कौन सा ऐसा काम तुम करती हो बताओ? मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, शिवा किधर है सर? कॉल सेंटर में काम करती हो? तुम्हारे हस्बैंड का किसने खून किया है उसी की छानबीन कर रहा हूँ। शिवा का खून? पकड़ो, जाओ उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। खूबसूरत तो बहुत है, इसको कॉल सेंटर में भेज के वो घर पे क्या करता था? कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ करता ही था, जिसकी वजह से इसका खून हो गया है। हे, संभल कर लेकर जाओ। सर सर, यहाँ सिगरेट मत पीजिए, ये हॉस्पिटल है। छोड़ो यार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी? पहले अपने आदमी का होगा, उसके बाद किसी का होगा। बॉडी पोस्टमार्टम रूम में है। और इनके साथ
तीनों का जरूर कोई संबंध है। इनके साथ जो था वो मर गया है या फिर जिंदा है? ओहो, समझ में नहीं आ रहा है। इनके साथ तू कैसे आके फंस गया कुमार? तेरे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? तेरी बहन की शादी भी होने वाली है। ए, ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उठो। क्या कर रहे हो? कौन? रुक रुक, गेट आगे से बंद करो। वो भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो उसे, भाग रहा है, पकड़ो। ए रुक रे, ए ए रुक। फंस गया रे, कहाँ भाग रहा था तू? हैं सर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ सर। ए, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस स्टेशन ले जा करके जब चार डंडे मारूंगा तब तू सब कुछ बताएगा। छोड़िए सर, सर सर सर, आपको लगा तो नहीं? जाओ सबको बुलाओ। यस सर। वो भाग रहा है, पकड़ो उसको। ए, रुक। सर छोड़िए सर, सर छोड़िए। भाग रहा है तू? सर नहीं सर, सर मेरी बात सुनिए सर। हे हे, रुक रुक। रुक जा। अरे तू भाग जाएगा तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा रे? रुक जा। नहीं सर, सुनिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर मेरा सोचा हुआ सब सही है, तो एक और जान को खतरा है। अरे क्या नई कहानी बता रहा है तू? अगर तुझे मैंने खत्म कर दिया तो सबके सब बच जाएंगे। सर सर, तीर्थगिरी नाम का एक आदमी, वो तेनाम बेटे में रहता है सर, उसकी जान को खतरा है। सच में उसकी जान को खतरा है सर। ए, अभी तो तेरे को खतरा है रे, चुपचाप तू मेरे हाथ। सर मैं जो बोल रहा हूँ सच है। चुपचाप तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। किधर भागने की अगर कोशिश की तो तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। सर सर, लगी क्या आपको? जल्दी देखो उधर, दीवाल फांद के भाग गया, पकड़ो उसे। ए ऑटो रोक, ऑटो रोक, पेपर दिखा। इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? सर, तीर्थगिरी सर का घर कहाँ है? क्या कहा? तीर्थगिरी सर? अरे वो कोई सर नहीं है, वो एक नंबर का नौटंकी बाज है, होगा यहीं कहीं। अरे जब रामचंद्र जी लंका पहुँचे वो अपनी सेना के साथ, तब युद्ध शुरू हो गया। देखो रावण की सेना के साथ युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी बोले क्या है सामने? शुक्रिया। गिरी रे कृष्ण के भेष में आया रे, ये दुनिया को बचाने आए भगवान कृष्ण। कृष्ण आए रे, कृष्ण आए रे। सर सोने नहीं दे रहा है, खाली फोकट भौंक रहा है। अरे सर, ये तीर्थगिरी कहाँ है? तीर्थगिरी? आज बड़े लोग उसे ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्या काम पड़ गया उस नालायक से? अरे जब कृष्ण चले मथुरा से, इससे पहले कोई और आया था क्या? हाँ, तुमसे पहले दो लोग आए थे। कंस को मार के कृष्ण ने किया सबको प्रसन्न। कंस की क्या औकात कृष्ण के सामने, गार गाओ सब मिल के गाओ, कृष्ण आया रे, कृष्ण आया रे। धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत होती है, कंस की पराजय होती है। तब
कृष्ण चला द्वारका की ओर। अरे कंस, तेरी औकात क्या है? मेरे सामने मैं तुझे मारकर पूरी नगरी को मुक्त करवा दूंगा तुझसे। ए, चला बजाओ बजाओ भाई। ए, चल रहे। ये कृष्ण की लीला है, कृष्ण की लीला परंपर। देखो भाई, कृष्ण की छवि आ गई है। उनसे मिलने का नहीं दिखा। ए, कौन हो तुम लोग? अरे उनसे मिलना है। भागो यहाँ से। ये कहां से बीच में आ गया? चलो अपना काम तो हो गया, जल्दी भाग गए। भाई, कौन थे वो लोग? आपको क्यों मार रहे थे? भाई सुनो ना, मैं कुछ नहीं जानता। भाई, भाई सुनो ना। ए, भाई, भाई, अरे अरे इसने खून कर दिया, इसने खून कर दिया, खून कर दिया। इसे मैंने नहीं मारा। खून कर दिया। ए, मैंने नहीं मारा। नहीं पापी, छोड़ दो मुझे। खून कर दिया, खून कर दिया तूने। देखो आओ सब लोग, देखो इसने खून कर दिया। आदमी को किसने मार दिया? इसने खून कर दिया। अरे इसने खून कर दिया। भाग रहा है, पकड़ो इसे, पकड़ो। भाग रहा है, खून कर दिया। भाग रहा है, पकड़ो। ए, पकड़ो खूनी को, पकड़ो खूनी। भाग रहा है, पकड़ो। ये रहा खूनी, पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो। इसने मेरे आदमी को मार दिया। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो इसे। दीना खूनी, भाग रहा है, पकड़ो, पकड़ो। ए दीना, रुक जा वरना गोली मार दूंगा। चलो चलो जल्दी चलो, उधर चलो, पकड़ो उसको, भागने ना पाए। जल्दी चलो, जल्दी चलो। उसके पैसे अलग लगेंगे। ठीक है, भेज दो, खत्म कर देंगे। क्या हुआ भाई? एक फोटो और भेज रहा है। उसका भी गेम बजाना है। जानी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे उसे तो मैं बचाऊंगा। कट क्यों कर रही है? कौन है? वही टॉर्चर। तेरा नंबर उसके पास कैसे आया? अपनी बहन को मेकअप कराने के लिए पार्लर लेके आया था, उसी दिन नंबर लिया होगा। फिर से कर रहा है ये ना, टॉर्चर है, बहुत बड़ा टॉर्चर। पता नहीं अब इसको कैसे समझाऊं। एक मिनट। हाँ उठा उठा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे तुम मंडप में ही हो ना, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। पहले मैं बोल रही हूँ वो सुन, दोबारा मुझे फोन किया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। बेवकूफो जैसी बात मत करो, तुम्हारी जान खतरे में है। पुलिस का नाम लिया तो कहानी तुरंत चेंज कर दी। फोन रखो। जानी सुनो,
कैसे समझाओ इसे? ओहो, ये फोन भी नहीं उठा रही है। मैंने फोन ही स्विच ऑफ कर दी थी। ए रुक रे, मेरे से ही नाटक कर दिया। दारू मैं पियाऊंगी तू भी है। 100 रुपए का पेट्रोल भरा है फिर भी गिर रही है। खड़े मदद कीजिए ना सर। क्या चाहिए? सर बाइक चाहिए सर। दे जाओ। ये मेरी बात तो सुनती नहीं है, क्या पता तुम्हारी सुन ले। I'm waiting, जल्दी आओ अपना काम खत्म कर। भाई थोड़ा जल्दी चलो। बेटी बहुत बढ़िया मेकअप। थैंक यू सर। सुबह हम जल्दी आ जाएंगे। कोई बात ठीक नहीं है? बेटी आराम से आना। ओके सर। संभाल के जाना ड्राइवर, ठीक है? सर सर सर, पार्लर से मेहंदी बनाने आई थी, वो लोग कहाँ पर है? अभी अभी तो यहाँ से गई हो। ओके कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। सुनिए, पार्लर में जो जैनी काम करती है उसको बुलाइए। वो यहाँ नहीं है सर। नंबर है उसका? हाँ। 9798। फोन लगाइए। हाँ। स्विच ऑफ बता रहा है। अब फोन स्विच ऑफ है तो सर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो यहाँ आती है तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं? 7-8 लोग हैं। इसीलिए मजबूत खुशबू आ रही है। बस बस यहीं पर रुकिए। हे, क्या कर रहे हो? जरा चुप रहो। क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। मेरी शक्ल अच्छी है या नहीं उससे मतलब नहीं है। अभी अभी क्या हो रहा है मुझे मालूम पड़ना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? मुझे पुलिस ढूंढ रही है। मेरा फ्रेंड कुमार मर गया, मेरे साथ 3 लोग जिन्होंने बात की थी वो लोग भी मर गए। क्या बोल रहा है तू? ओहो, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, और अगर मेरी बात सच है तो अगला नंबर पक्का तुम्हारा है। मैं कुछ समझी नहीं। आज सुबह होटल के बाहर तुम लोग बात कर रही थी, एक पुलिस और 2 जन मर गए, ये बात पता है तुम्हें? जानती हो उसके बारे में? मतलब 3 लोग मारे गए? अरे हाँ, पुलिस मुझे खूनी समझकर ढूंढ रही है। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारा उन लोगों से क्या संबंध है? क्यों हुआ उन लोगों का खून? पहले हाथ पोल कर लीजिए। हाँ ठीक है। अच्छा जैनी जाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे तुम इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? जरा इसे देख। ये भी देख ले। ये क्या है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सब का पिछले ही महीने ब्लड टेस्ट किया था, सब कुछ नॉर्मल था, और ये कल के रिजल्ट्स हैं।
इसमें पोटेशियम ज्यादा है, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा है, कुछ तो अब नॉर्मल है। ये कौन सी बीमारी है इन पांच लोगों को? पता नहीं। ओके, ऐसा कर डॉक्टर रवि और वेंकी सर को दिखा दे। हाँ। ये तुमने डीन को दिखाया क्या? नहीं सर। ये कुछ मशीन की फॉल्ट होगी। लेकिन मशीन का रिजल्ट सही है सर। मालूम नहीं। एनीवे मैं पूछताछ कर लेता हूँ, तुम जाओ दूसरा काम करो। लेकिन सर अगर वो रिजल्ट सच है तो वो पांचों जन मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जानी, वो मशीन का फॉल्ट है, तुम जाओ मैं देख लेता हूँ। उसके बाद थोड़े ही दिनों में उन पांच लोगों में से दादी की हालत बहुत सीरियस हो गई। सुनो जल्दी चेक करो उमा। हाँ? इसे लैब में ले जाओ और चेक करो। हाँ? और इसकी रिपोर्ट रवि डॉक्टर को दिखाना। ओके ओके। और सुनो। हाँ? लेकिन जैनी को नहीं पता चलना चाहिए। ओके डॉक्टर। हाँ डरने की कोई बात नहीं। जेनी, ओह माय गॉड, क्या क्या करूं, फंस गई। जेनी, हाँ, कहाँ जा रही हो? डीन से मिलने। क्या काम है? वही ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी। सिस्टर, डॉक्टर ने तुम्हें बताया ना कि मशीन में प्रॉब्लम है? नहीं सर, आईसीयू में वो दादी के ब्लड रिपोर्ट में ड्रास्टिक चेंज है सर। लेकिन दवाइयों में मिस्टेक नहीं है, ट्रीटमेंट में मिस्टेक है। तुम अभी सीख रही हो, हम लोग डॉक्टर हैं, हमें मत सिखाओ तुम। सर वो रिपोर्ट दो। पर सर दो, लाओ दो, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम साइन मत करना। क्या, किसने कहा? वेंकी सर ने। सर आपके क्या प्रॉब्लम है, आपने मुझे काम से क्यों निकाला? हाँ? तुमने जो टेस्ट की रिपोर्ट दी है वो गलत है, हमारे पास ये कंप्लेंट आई है, समझी? किसने कहा? जस्ट वेट, इस रिपोर्ट पर तुम्हारा ही साइन है ना? हाँ सर, ये मेरी ही साइन है। तुम्हारी दी हुई रिपोर्ट गलत है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करके भरा है, पता है इससे कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई? ड्यूटी पर लापरवाही करती हो, इससे इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो रही है। बट ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं। नाउ गेट लॉस्ट। उन्होंने रिपोर्ट चेंज कर दी, मुझे काम से निकाल दिया। उसके बाद मुझे कहीं काम नहीं मिला, मैं भी वो सब भूल के ब्यूटी पार्लर में काम पर लग गई। तभी उमा मुझे मिली। ये ले मेरी शादी का इन्विटेशन कार्ड। हे, क्या बात है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, तुझे वो चार पेशेंट्स याद है, उसमें से दादी मर गई है। क्या कह रही है? हाँ मैं सही बोल रही हूँ, उसी वजह से शायद मुझे काम से निकाला होगा। और एक बात है, उन चारों का क्या होगा, उसी बात का डर लग रहा है मुझे। उसमें कुछ गड़बड़ है, उनका फोन नंबर मिलेगा क्या? हॉस्पिटल से ले लूंगी, मैं वहाँ पहुँच के तुझे SMS करती हूँ। ठीक है, आज सुबह ही उनसे मिलके सब कुछ बता दिया। और मैं जिन तीनों से मिली थी उनको मार दिया गया। क्या कहा? तीनों को मार दिया? मतलब वो तीनों तुम्हें पहचानते थे? उसमें एक आदमी नहीं आया था। फिर वो कौन है, वो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया वो मुझे पता नहीं, लेकिन साईदा पेट्टे में उनका घर है। साईदा पेट्टे में घर है? हाँ, उनका फोन नंबर चेंज हो गया है। उनका नाम नयनी अपन है।
नया नहीं अपन? रिटायर स्कूल टीचर है। मतलब अभी बात करने का टाइम नहीं है, चौथे आदमी को जाके बचाना है, चलो। उनको कहाँ जाके ढूंढोगे? अरे वो मेरे पापा है। ए रुक पुलिस, चल। ए कौन है? चारों तरफ देखो। अरे दरवाजा तोड़ दोगे क्या? आता हूँ। अरे सर आप जाओ। क्या हुआ? चारों तरफ जाकर सर्च करो। सर मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए, क्या ढूंढ रहे हैं? खूनी को ढूंढने आए हैं, उसने एक नहीं चार खून किए हैं। खूनी? इस घर में मेरे अलावा सिर्फ मेरा बेटा ही है। करेक्ट, वही दीना ही खूनी है। दीना खूनी है? क्या बकवास है। क्या पूरे एरिया में खून करके वो घूम रहा है, ऊपर से पुलिस वालों को भी मार रहा है? ये बात तुम्हारे लिए सही है और मैं बकवास कर रहा हूँ? सर कहीं तो कुछ गलत हुआ है सर। एक नहीं चार गलतियाँ की हैं उसने। किधर है तेरा बेटा? सचमुच मुझे नहीं मालूम सर। सच सच बोलो। लड़का ऐसा नहीं है सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। बकवास बंद करो, अपने बेटे की सच्चाई की सर्टिफिकेट मत दे, वरना मैं डेथ सर्टिफिकेट तुझे दे दूंगा। नहीं सर, मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो सर। से वो अपने आप को सरेंडर कर दे ऐसा बोलो उसको। वो ऐसा कर ही नहीं सकता सर। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? चुपचाप उसको सरेंडर होने को बोलो, वरना उसके साथ साथ तुम्हें भी अंदर डाल सकता हूँ मैं। कांस्टेबल सर, देखा उधर? उधर कोई नहीं है सर। चलो ठीक है। ठीक है सर, दरवाजे के पास खड़े रहो, किसी को अंदर आने मत देना। ओके सर। ए सलीम, किधर है भाई तू? तू मेरे घर पे जा, वहाँ पे पापा रहेंगे, उनको संभाल के कहीं पे लेके जा। ये क्या कह रहा है? पापा की जान को खतरा है, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, समझा? जा। ठीक है, संभाल के लेके जा। रुको रुको, मैं भी चलती हूँ। भाई यहाँ तो पुलिस खड़ी है, कैसे जाएंगे? दूसरा भी कोई रास्ता होगा, चल। हाँ बोल। सुन भाई, तेरे घर के सामने पुलिस खड़ी है। देख सलीम, उन्हें दूसरे रास्ते से लेके आ जा। बंद है भाई। कुछ तो कर यार। ठीक है भाई, ये रास्ता तो बंद है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तोड़ दो। अरे रुक जाओ, क्या दरवाजा तोड़ दोगे? पीछे के दरवाजे से कोई घर में घुस रहा है सर। कौन घुस रहा है? सर मैं दीना का दोस्त हूँ, उसके पापा की जान खतरे में है सर, चलिए सर जल्दी कीजिए। पापा, आपकी जान को खतरा है, दरवाजा मत खोलिएगा। सर क्या हुआ सर? छोड़ रुक हटो भाई, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? आइए, क्या हो रहा है? आपकी जान को खतरा है, यहाँ से जल्दी निकलिए, चलिए। क्या मत रहिए एक मिनट भी, चलिए भागिए यहाँ से, जल्दी कीजिए। कहाँ जाऊँ बेटा? पापा, अरे पापा मेरे यहाँ रहिएगा। अरे कोई बचाओ। पापा मैं आ रहा हूँ, मेरे घर में जल्दी घुसा है। पापा निकलिए यहाँ से। पापा जल्दी कीजिए, चलिए। ए तुम उस तरफ जाओ। हाँ बोल सलीम। मैं और पापा खूनी से बच के उधर ही आ रहे हैं दीना। अच्छा सुन, तू जल्दी से एरिया के बाहर आ जा, मैं बस आ ही रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। र
रात गाली बोल रही है जैसे कोई खेल रही है जैसे कोई खेल रही है खेल रात गाली बोल रही है जैसे कोई खेल रही है जैसे कोई खेल रही है खेल तूफान कहीं तो आना है तितर बितर हो जाना है ऐसा ही कुछ खेल रही है खेल रात का खेल अरे उठो अरे डर गया जो डर गया वो मर गया रे जीत गया जो जीत गया वो हर गया रे जीना है जीना तो लड़ना सीख लो यार जीना मरना है वो भगवान के हाथ हार के पीछे जीत छुपा है दुश्मन पे भी बीत छुपा है जीना है तो लड़ना सीखो हर मुश्किल से लड़ना सीखो यार तूफान कहीं तो आ रहा है सब तितर बितर हो जा रहा है खेल रही है रात ये कैसा खेल तूफान कहीं तो आ रहा है सब तितर बितर हो जा रहा है खेल रही है रात ये कैसा खेल ये खेल आगे बढ़ाना तो भाई इसे भी छोड़ना मत डाल दे इसको अरे चलो भागो यहाँ से हो रहा है जो होके रहेगा कौन यहाँ किसे रोक सकेगा जिसके बाजू में है दम उसका जहाँ कुदरत का है सारा खेल कब किससे हो जाए मेल किसे पता मिल जाए रखवाला कहाँ हार के पीछे जीत छुपा है दुश्मन पे भी बीत छुपा है जीना है तो लड़ना सीखो हर मुश्किल से लड़ना सीखो यार तूफान कहीं तो आ रहा है सब तितर बितर हो जा रहा है खेल रही है रात ये कैसा खेल तूफान कहीं तो आ रहा है सब तितर बितर हो जा रहा है खेल रही है रात ये कैसा खेल डर गया जो डर गया वो मर गया रे जीत गया जो जीत गया वो घर गया रे जीना है जीना तो लड़ना सीख लो यार जीना मरना है ऊपर वाले के हाथ हार के पीछे जीत छुपा है दुश्मन पे भी बीत छुपा है जीना है तो लड़ना सीखो हर मुश्किल से लड़ना सीखो यार ये छोड़ छोड़ उसे दीदा तू उसे खत्म कर या नहीं ए छोड़ना मत दीदा नहीं दीदा दीदा सर 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 रुकिए सर 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 गाड़ी रुकाइए सर ये लड़की की जान खतरे में इसे पुलिस स्टेशन ले जाना है पुलिस के सर सर इसकी जान खतरे में है सर प्लीज सर चला जा जल्दी आजा आजा चलो आजा जल्दी बैठ जाओ बैठ जाओ जल्दी चलो दीना दीना कहाँ भागेगी दीना ए आ अच
सबको मारेगा तू? बोल कौन है? कौन है तू? किधर भाग रहा है? बहुत हीरो बन रहा था ना तू? फंस गया ना? सर, विश्वास करो सर, जो खून हुए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब उन लोगों ने सुसाइड किया है? गाड़ी रोको। सर सुनिए सर, वो सारे खून उन दो खूनियों ने की है। एक मर गया, चल, चल, और एक बच के जा रहा है सर। मुझे नई कहानी मत बता। काम हो गया क्या? सर बच गई सर। वो बच कैसे गई? उसे खत्म कर दूंगा सर। जल्दी करो। सर जो बोल रहा हूँ वो सुनिए सर। तूने जो बोला मैंने सब सुन लिया। विश्वास कीजिए सर, मुझे जाने दीजिए सर। चल, तेरे को पुलिस स्टेशन में ले जाके सुनिए ना सर, सब मालूम पड़ेगा। सर 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 मुझे जाने दीजिए सर, वरना और खून हो जाएगा सर। सर वो जानी की भी जान खतरे में। सर जाने दीजिए ना सर, प्लीज सर जाने दीजिए सर, नहीं तो सर नहीं तो उसका खून कर देगा, पता चलेगा। ए अरे क्या कर रहा है? अरे सर, अरे गाड़ी रुको, अरे क्या कर रहे हो? अरे रुको रुको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तेरी वजह से मेरा खेल बिगड़ गया। ए, आंखें खोल। काम हो गया? तेरे दोनों आदमियों को मैंने मार डाला। कौन है तू? तू जिसको मारना चाहता है ना, उसका बेटा हूं मैं। अच्छा तू है? अपनी प्रेमिका को तूने खुद ही खूनी की गाड़ी में बिठा दिया। क्या बोल रहा है तू? तुमने गाड़ी क्यों नहीं रुकाई? वो चढ़ रहा था ना। जब वहां गाड़ी रुकी थी तो तू भी तो चढ़ सकता था। जेनी को तूने मेरी गाड़ी में चढ़ाया था, कोई कष्ट नहीं हुआ। एटलीस्ट उसकी बॉडी तो मिल जाएगी। हॉस्पिटल में आकर उसकी बॉडी ले जाना। दीना, आओ आओ। वो तुम ही हो जो बीच में टांग अड़ा रहे थे ना, आओ। अब तुम भी आ गए हो। अब तुम दोनों को और तेरे बाप को दोनों को मार डालेंगे, कोई सबूत तक नहीं मिलेगा। दीना, नहीं, ये की, और ना हमारा काम नहीं करता।
सब तेरी। चलो। अब तो तेरे हाथ से नहीं बचेगी। चलो कहाँ जाएगा भाग के? Stop it, Dina. इसी नंबर से लास्ट कॉल आया है, ये नंबर ट्रेस करो। नीचे फेंको। सर मैंने कहा ना नीचे फेंको। सर जो हुआ इसका कारण यही है सर। ए जाने दे, तू जो बोलेगा मैं सब सुन लूंगा क्या? मैं पागल हूँ? सर ये मेरा खून कर देगा, ये मेरा खून कर देगा सर। जो मुझे मारने के लिए आया है सर। सर सर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सर। तू कौन है? ये मेरा खून कर देगा, मुझे बचा लो सर। विश्वास कीजिए सर, ये झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहा है, मार दो सर, मार दो सर, ये झूठ बोल रहा है। झूठ 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 सर, झूठ 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 झूठ। ऐसे घूर क्या रही है? अगर तू रवि और वेंकी को बुरा समझ रही थी तो तू गलत समझ रही थी। सच तो यह है कि अगर वो लोग बुरे हैं तो उनसे भी बुरा मैं हूं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुझे मारकर मैं इस ऑटो वाले पर डाल दूंगा और यहां से भाग जाओ। देखो तुम गलत कर रहे हो, गन मुझे दे दो। हां नहीं, गोली मत मार, मत मार गोली, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ मैं। चल बोल, क्यों उन सब का खून करवाया? क्यों करवाया उन सब का खून? बताता हूँ। ये अमोक कैसोलिना नया वैक्सीनेशन कैंसर के लिए। गुड, मार्केट में कब आ रहा है? सर अगर सोचेंगे तो जल्दी ही आ जाएगा। मैं समझा नहीं। ये मेडिकल अप्रूवल और गवर्नमेंट के अप्रूवल का रास्ता देख रहा है सर। ये एनिमल्स के लिए अच्छा वर्कआउट हो रहा है सर, ह्यूमंस के लिए वर्कआउट होगा कि नहीं ये अभी तक मालूम नहीं पड़ा। सो ये आपके हॉस्पिटल के पेशेंट पर ट्राई करके देखना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बट ये सक्सेस होगा तो दुनिया हमारी प्रशंसा करेगी सर। लेकिन अगर फेल हुआ तो मेरा क्या होगा? सोच कर देखिए, यही एक दवा है कैंसर के लिए। अगर सक्सेस हो गया तो आपको सेल में 5%। डील ओके, पर 5% काफी नहीं है। मुझे यूपी और हरियाणा में मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए अप्रूवल चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। थैंक यू जी। हमने अपने हॉस्पिटल में 5 लोगों पर यह ट्रीटमेंट चालू किया।
किस चीज का इंजेक्शन है ये? इस इंजेक्शन से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन वो मेडिसिन साइड इफेक्ट क्रिएट कर रही थी और मेडिकल काउंसिल को यह भी पता चल गया कि वो मेडिसिन अप्रूव्ड नहीं है। हम बुरी तरह से डर गए थे। हमें लगा कि मेडिकल कंपनी के साथ हमारा हॉस्पिटल भी इसमें फंस जाएगा। इसी डर की वजह से हमने उस बुढ़िया को भी मार दिया। वो चार लोग कभी भी मर सकते हैं। सर, अगर हम दूसरे हॉस्पिटल में जाकर ये बता देंगे तो हम सब फंस जाएंगे। हमारे पास वही एक जिंदा सबूत है, समझ गए? ठीक है, छोड़ दो उसे, सबूत को मिटा देंगे। चल ठीक है, जैनी को क्यों मारने आया था? इसे मैंने तीन लोगों से बातें करते देख लिया था। मैं डर गया कि हमारा मैटर सब लोग जान जाएंगे। इसीलिए मैंने उन तीन लोगों के साथ जैनी को भी मारने के लिए कह दिया। माफ कीजिए सर, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी जान बचा ली। सॉरी सिस्टर। इट्स ओके। छोटे भाई दीना, आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई भी समस्या हो तो बोल देना इंस्पेक्टर पशुपति का भाई हूं मैं। थैंक्स सर। दीना, दीना, सॉरी दीना, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो? मैं तो एक टॉर्चर करने वाला ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरे साथ रहोगी तो प्रॉब्लम में फंसोगी। जाओ निकलो यहाँ से। दीना प्लीज, मैंने कहा ना गलती मेरी थी। नहीं मैडम, ये सही नहीं रहेगा। क्या सही नहीं रहेगा? मुझे तुमसे कोई और अच्छा नहीं मिल सकता। मैं ही ओवर थी, तुम क्यों ओवर कर रहे हो? मुझसे शादी करोगे कि नहीं? क्या मैडम, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे किसी ऑटो वाले को बुला रही हो। थोड़ा टाइम तो दो ना, सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए टाइम चाहिए? अरे हे, अरे नहीं नहीं, अरे अगर हे, क्या कर रही हो? हमेशा टॉर्चर करता है। बेखबर आए जब वो नजर, उसके ख्यालों का समा न जाने ले जाएगा कहाँ। मेरे दिल की हर खुशी वो है, मेरी जिंदगी वो है, मेरी जिंदगी वो, मेरे दिल की हर खुशी वो, उसके बिन लगता है जैसे मुश्किल होगा जीना। ना दिखे अगर वो तो लगता है सब कुछ सुना गया।